अक्षय कुमार को बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस का किंग माना जाता है और उनका हर सालों में 2 से 3 मूवी आते हैं और उसमें से एक मूवी तो पक्का 100 से 200 करोड़ क्लब छू लेते हैं। तो दोस्तों आज मैं खिलाड़ी अक्षय कुमार की टॉप 10 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म्स के बारे में बताने वाली हूँ। तो अगर आप हैं अक्षय कुमार के डाई हार्ड फैन तो ये वीडियो शुरू से एंड तक जरूर देखना। तो चलिए इंट्रो के बाद मिलते हैं। नंबर 10, हाउसफुल 3। ये 2016 का एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया था सजीद फरहत ने और इसमें अक्षय कुमार, जैकलिन फर्नांडिस, अभिषेक बच्चन और नरगिस फकरी लीड रोल पर थी। और हाउसफुल 3 को बॉलीवुड का वन ऑफ द मोस्ट कॉमेडी फिल्म माना जाता है और इसका बजट था 30 करोड़ और डोमेस्टिक कलेक्शन था 107 करोड़ और इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था 195 करोड़ और हाउसफुल 3 बॉक्स ऑफिस पर हिट निकला। नंबर 9, हॉलीडे। ये 2014 का एक्शन थ्रिलर फिल्म था जिसको डायरेक्ट किया था एआर मुरुगादोस ने और इसमें गोविंदा, अक्षय कुमार और सोनाक्षी सिन्हा लीड रोल पर थी। और ये माना जा रहे थे कि ये फिल्म बॉलीवुड का बेस्ट थ्रिलर फिल्मों से एक है और साथ ही साथ इस फिल्म से ही अक्षय कुमार अपने फिल्म करने के लिए स्टोरी सिलेक्शन का तालिका बदलने शुरू किया था और इसका बजट था 86 करोड़ और डोमेस्टिक कलेक्शन किया था 112 करोड़ और इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था 176 करोड़ और हॉलीडे बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। नंबर 8, हाउसफुल 2। ये 2012 का एक्शन कॉमेडी फिल्म था जिसको डायरेक्ट किया था साजिद खान ने और इसमें अक्षय कुमार, जॉन अब्राहम, अशीन, जैकलिन फर्नांडिस और रितेश देशमुख लीड रोल पर था और इसका बजट था 43 करोड़ और इसका डोमेस्टिक कलेक्शन था 114 करोड़ और इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था 202 करोड़ और ये मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट निकला। नंबर 7, जॉली एलएलबी 2। ये 2017 का कोर्टरूम ब्लैक कॉमेडी फिल्म था जिसको डायरेक्ट किया था सुभाष कपूर ने और ये जॉली एलएलबी फ्रेंचाइज का सेकंड इंस्टॉलमेंट था और इसमें अक्षय कुमार, हुमा कुरैशी लीड रोल पर थी। इसमें जॉली मिश्रा एक लॉयर जो कि एक रूथलेस और पावरफुल लॉयर प्रमोद मथुर के अगेंस्ट में फाइट करता है और इसका बजट था 46 करोड़ और इसका डोमेस्टिक कलेक्शन था 117 करोड़ और इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है 193 करोड़ और जॉली एलएलबी 2 भी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट निकला। नंबर 6, रुस्तम। ये 2016 का क्राइम थ्रिलर फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया था तीनू सुरेश देसाई ने और इसमें अक्षय कुमार और इलियाना डी क्रूज लीड रोल पर थी और इसकी स्टोरी नावल ऑफिसर के एम ननावती और बिजनेसमैन प्रेम आहूजा का रियल लाइफ इंसिडेंट बेस्ड था और इसका बजट था 50 करोड़ और इसका डोमेस्टिक कलेक्शन रहा 127 करोड़ और इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा 216 करोड़ और ये मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। नंबर 5, एयरलिफ्ट। ये 2016 का हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया था राजा कृष्णा मेनन ने और इसमें अक्षय कुमार और निम्रत कौर लीड रोल पर थी। इसमें रंजित कतवाल नाम से क्वेट बेस्ड बिजनेसमैन को दिखाई गई है और इसका बजट था 30 करोड़ और इसका डोमेस्टिक कलेक्शन था 129 करोड़ और इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा 251 करोड़ और ये मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। नंबर 4, रॉडी रथोर। ये 2012 का एक्शन फिल्म था जिसको डायरेक्ट किया था प्रभु देवा ने और इसमें अक्षय कुमार और सोनाक्षी सिन्हा लीड रोल पर थी। इसमें शुरू होता है एक थीफ से जो कि अपने प्यार को अपने तरीके से पाना चाहते थे और खत्म होता है एक बच्ची की देखभाल करने में जो बच्ची उसको खुद के पिता मानते हैं और इसका बजट था 45 करोड़ और इसका डोमेस्टिक कलेक्शन था 131 करोड़ और इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था 260 करोड़ और रॉडी राठौर बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। नंबर 3, टॉयलेट एक प्रेम कथा। ये 2017 का कॉमेडी ड्रामा फिल्म था जिसको डायरेक्ट किया था श्री नारायण सिंह ने और इसमें अक्षय कुमार, भूमि पेडनेकर लीड रोल पर थी। इसमें इंडिया की सैनिटेशन कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंटल कैंपेन को सपोर्टिव होने को कहने गया है और इसमें काफी अच्छे से सोशल इशू, फनी और ड्रामेटिक मोमेंट्स को दिखाई गई है और इसका बजट था 18 करोड़ और डोमेस्टिक कलेक्शन था 133 करोड़ और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था 311 करोड़ और ये मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। नंबर 2, केसारी। ये 2019 का एक्शन वॉर फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया था अनुराग सिंह ने और इसमें अक्षय कुमार और परिणीति चोपड़ा लीड रोल पर थी। इसका स्टोरी बैटल ऑफ सारागढ़ी के ऊपर आधारित है और इसमें काफी अच्छे से स्लो मोशन फुटेज को दिखाई गई है और साथ ही साथ अक्षय कुमार ने एक एपिक पोर्ट्रेट किया है ईशर सिंह फ्रीडम फाइटर का और इसका बजट था 80 करोड़ और इसका डोमेस्टिक कलेक्शन था 147 करोड़ और इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था 207 करोड़ और केसारी मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। नंबर 1, 2.0। ये 2018 का तमिल साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म था
जिसको डेट किया था एस शंकर ने और उसमें रजनीकांत अक्षय कुमार और एमी जैक्सन लीड रोल पर थी। इसमें रोबोट चिट्टी और पक्षी रजन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट दिखाई गई है और इस फिल्म का VFX काफी आउटस्टैंडिंग था और इसका बजट था 570 करोड़ और इसका डोमेस्टिक कलेक्शन था 188 करोड़ और इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था 821 करोड़ और 2.0 ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई। तो दोस्तों ये रहा अक्षय कुमार की टॉप 10 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म्स के बारे में और इन सभी फिल्मों से आपको कौन सी फिल्म सबसे अच्छी लगी कमेंट करके बताना और साथ ही साथ ये भी कमेंट करके बताना कि हाउसफुल 4 क्या ये हाईएस्ट ग्रॉसिंग लिस्ट में शामिल हो सकते हैं या नहीं। और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और इस तरह की बॉलीवुड साउथ इंडियन मूवीज अपडेट पाने के लिए मॉरिशस इन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।